नमस्कार, मैं हूं मुकेश झा। आप देख रहे हैं ट्रू फैक्ट न्यूज को। बिहार के शिवहर जिला के नगर परिषद चुनाव दिनांक 9/6/2023 को होना तय है। 40 डिग्री तापमान के बावजूद भी प्रत्याशी कड़ी धूप में क्षेत्र भ्रमण करने से नहीं रुकते। सभापति पद के प्रत्याशी इंजीनियर अमन कुमार ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए दिखे। सभापति पद के प्रत्याशी इंजीनियर अमन कुमार के साथ बेलसंड विधानसभा के पूर्व MLA प्रत्याशी नसीर अहमद उर्फ लाल जी ने इंजीनियर अमन कुमार को साथ देते हुए शिवहर नगर परिषद को बदलाव बहुत तेजी के साथ होगा जनता जनार्दन से अपील करते हुए नसीर अहमद उर्फ लाल जी ने क्या कहा, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ऐसे नाले सड़कें तो बनते ही रहेंगे, उसमें विकास में कमी नहीं होगी, बड़ी रफ्तार होगी। और आपका भी टोला जो नया परिसमन में जो जुड़ा है, जो पंचायत से हट करके जुड़ा है, वो भी एक शहर नुमा हर पे लाइट बॉल एक शहर हो जाएगा। यहाँ भी वो डब्बा कचरे के लगेंगे। एक बदलाव बड़ी तेजी के साथ जितने के बाद होगा, लेकिन 15 महीने में बाजार समिति का निर्माण कर, गठन कर, निर्माण कर आपको हैंडओवर में दिया जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अगर से नहीं होता है तो आप याद कर लीजिए, 16 महीना में आपने जो वोट दिया, सोचेंगे कि लाल जी बोले थे। अमन जी को भी मैं साथ में रखा हूं और इनसे मैं वादा कराया, 15 महीने के अंदर नहीं बना तो 16वां रिजाइन देंगे या फिर नए प्रत्याशी का चुनाव हो जाएगा। ये वादा कोई नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि चोर चोर मौसरिया भाई जकाएगा, झूठा वादा है कर लेगा। लेकिन लाल मियां उस व्यक्ति का नाम है, मैं न डरा न पीछे हटा कभी। जो बोला पंचायत में मुखिया रहा, दलित का जो बुरा हाल था मैंने सुधारने का काम किया। वादा करता हूं आपसे, 16वां महीना रिजाइन, कोई लटपट फटपट नहीं है, तो आप इसके लिए तैयार हो जाइए। और उस महीने का इंतजार करना है, और जो बाजार में जास्ती होता है टोकरी फेंका फेंका वाल, जो धमकियां मिलती है, जो दादागिरी मिलती है, जो वहां रंगदारी मिलती है, वह 15 महीना के आसपास सहना है, 16वां में सहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका दुकान आपके द्वार होगा, और वह दुकान कोई एक दिन के लिए नहीं होगा। वादा करता हूं मैं आपसे, जितनी मार्केटें 1000 दुकान बनेंगे, इसलिए मैं चाहता हूं जब बाजार समिति हो जाएगा तो आपका दुकान 99 साल के लिए होगा, एक दुकान का मालिक 99 साल। ये आई जन सैलाब जो आप देख रहे हैं, जरा खड़े हो जाइए, है ना, ये जन सैलाब जो आप देखेंगे ये उभर चुका है, ये अब रुकने वाला नहीं है। अमन कुमार की आंधी चली है, आंधी में जितना भी डेंगरा पोठिया सब उठिया करके चला जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभापति पद के प्रत्याशी इंजीनियर अमन कुमार की ए रिपोर्ट। बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे हमें आजादी की जरूरत है। हमारे स्कूल हैं, पानी भरे रहते हैं क्योंकि नाला का समस्या है, हमें सुधारने की जरूरत है। हमारे बच्चे पढ़ेंगे तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, और इसमें आप सब की सहयोग की जरूरत है। और आज हम सब एक हैं, एक साथ हैं, कल हम इस चीज को पूरा करेंगे, बदलाव लाएंगे, बनेगा अच्छा। मैं यहाँ पे बहुत पढ़ाई लिखाई करके आया हूँ, और हमने देखा कि हमारे समाज में बहुत सारी परेशानी है। नेता हैं, पक्ष भी हैं, विपक्ष भी है, पक्ष वाले किसी को बोलने नहीं देते और विपक्ष वाले इतने मुचोर हैं कि बोलिए नहीं पाते। तो हमें वहाँ से निकलना है और एक ऐसा जगह ढूंढना है जहाँ सबका सम्मान हो, सब बोले, सब सुने, ऐसे को चुने कि आप बोले और वो सुने। ऐसा नहीं कि आज भी वही बोले और कल भी वही बोले। सम्मान का मुद्दा सबसे ज्यादा जरूरी है। आप अपने नेता को जिताते हैं और चाहते हैं कि हम जाएं अपने नेता के पास, तो हमको नेता अच्छा व्यवहार करे, बैठाए, एक गिलास पानी पिलाए। ज्यादातर लोगों की यही चाह होती है कि सम्मान मिले। हम वादा करते हैं कि बदलाव आएगा और हमें आजादी मिलेगी। अभी अभी मैं सुनाया, हमारा तो आखिरी था जिसमें मैंने अध्यक्ष महोदय से कहलाया। मैं यही था ना कि मैं जो वादा करता हूँ उसको पूरा करूंगा। बाजार समिति का निर्माण होगा जब आप बदलाव करेंगे, नहीं तो उसी बाजार में धक्का मुक्की खाना पड़ेगा। तो आप चाहते हैं ना बदलाव हो? चाहते हैं, अरे चाहते हैं, चाहते हैं, बदलाव होना है।
सब लोग चाहते हैं बदलाव हो, तो जब बदलाव हो गया तो बाजार समिति हो गया। पहले समझ लीजिए, हमारे बाल बच्चे नई दुल्हन जब आती है ना तो कहती है कि शिवर घुमाओ, तो बेटे कहते बेगम शिवर घूमने की जगह थोड़ी है, अगर तुमको हम घुमाने ले जाएंगे तो तुमको दूसरा ले जाएगा भाई के लिए, इसलिए तू घूमबे मत करो भाई के लिए, देखिए थोड़ा सा हंस खेल के भी बात कर लेना। तो क्यों? क्योंकि शिवर घूमने की जगह नहीं है, पार्क नहीं है। तो जब आप मेयर चेंज करेंगे तो बेगम को भी घुमाएंगे उस पार्क में, पार्क चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो पार्क चाहिए कि नहीं। पार्क के लिए बीवी को पटना ले जाते हैं कि चलो इस पार्क में घुमा देते हैं, बड़ी लंबी माननीय मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। आप बताओ पटना ले जाने में कितना खर्चा होगा, आप शिवहर धनकौल से आने में कितना खर्च होगा, 20 रुपया, और 20 रुपया का टिकट, तो लॉटरी के 400 रुपया में हमारे 4000 बच जाएगा, तो ये काम करे के है कि ना करे। शिवहर में पार्क लाना है, और जो आवास में 80,000 से लेके लाखों आवास मिलने से पहले नखिया बेचकर गिरवी रखकर पाल गिरवी रखकर महिलाओं को वह देती है कमीशन, वह कमीशन खत्म करना है कि नहीं, खत्म करना है। सूद ब्याज पर पैसा लेके देते हैं, खत्म करना है कि नहीं, खत्म करना है। और बेहतर आगाज के साथ साथ वह शिवहर का विकास करना है, नगर का विकास करना है। जैसा कि आप तमाम दर्शकों ने सुना, ब्यूरो रिपोर्ट ट्रू फैक्ट न्यूज। बाकी के देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे ट्रू फैक्ट न्यूज को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।